ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने लास्ट डिस्कस किया था आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशंस, वो बुनियादी तौर पर ये थी। अभी बच्चे आ रहे हैं। तो वो ये स्लाइड थी बेटा, ये आपने मेरे ख्याल पढ़ ली होगी। ये हमने कल डिस्कस किया था, मैं इसकी बात कर रहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा प्रेशर ऊपर जाता है और पूरा नीचे आता है। हाउएवर जब आर्टरीज की हम बात करते हैं तो प्रेशर ऊपर तो जाता है लेकिन वो 80 पे आके रुक जाता है। ये उसका डायस्टोलिक प्रेशर है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अब क्या किया जाए? आवाज तो बाकियों की आवाज आ रही है, मेरा इधर माइक्रोफोन में तो शो हो रहा है कि आवाज काफी धमाकेदार है। आवाज क्लियर है बेटे? जिसको नहीं आ रही वो अपना वो स्पीकर चेक करे बेटे शारुश, ठीक है? ओके, तो मैं बात ही कर रहा था कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 पीक करता है सर्कुलेशन में और डायस्टोलिक जो है वो 80 आ रहा होता है, और 80 के बाद दोबारा पिछली जो हार्ट की कार्डियक साइकिल है वो मुकम्मल होके नया ब्लड का जो फ्लो है वो आ जाता है, तो फिर वो ऊपर चढ़ जाता है 80 से 120 पे, और ये साइकिल सारा चलता रहता है, ठीक है? जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे ये जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का, आर्टीरियल वेव का, ये कम होता रहता है, यहाँ तक कि आप आर्टीरियोल्स पे आ जाते हैं, और आर्टीरियोल्स के बाद ये या आर्टीरियोल्स के पास पास ये प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है, जो इसकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस है वो कम हो चुका होता है, और उसके बाद एक स्ट्रीम लाइन, एक कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा होता है। हालांकि इससे पहले जैसे आप देख सकते हैं पल्सटाइल फ्लो हो रहा होता है, ठीक है? सो पल्सटाइल और कंटिन्यूस फ्लो का हमने कल काफ़ी बात कर ली थी, ये हमने डिस्कस कर लिया है कल, हम इसके आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आवाज़ नहीं आ रही, आयशा को नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी हमने कल कर लिया था, हमने सिस्टोलिक प्रेशर किया था और डायस्टोलिक प्रेशर किया था। हमने कहा था जनाब सिस्टोलिक प्रेशर इज द पीक प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टली, और इसमें इसके पीछे अब ये सिस्टोलिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन के सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है? ये सिस्टोलिक प्रेशर सर्कुलेशन वाला है, तो ये मेनली कंट्रोल हो रहा होता है, किससे कंट्रोल हो रहा होता है? कार्डियक आउटपुट से कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है? अगेन ये सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ सर्कुलेशन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय कार्डियक आउटपुट, एंड द डायस्टोलिक प्रेशर इज मेनली कंट्रोल्ड बाय वैस्कुलर कंप्लायंस, जो कि मेरा ख्याल है मैंने कॉमेंट्स भी देखे हैं आपको अच्छा समझ में आ गया, ठीक है? ओके, जिसको आवाज बेटे नहीं आ रही वो रीजॉइन करें प्लीज, दोबारा रीजॉइन करें। ओके, आज हमारा जो मुद्दा है वो है पल्स प्रेशर और मेन आर्टीरियल प्रेशर। आज हम ये डिस्कस करके इसको हमने रैप अप करना है इस बार। ओके जनाब, तो पल्स प्रेशर मैंने गालिबन लास्ट जाते जाते कह गया था मैं कि पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर बेटे ये फॉर्मूला है पल्स प्रेशर का, ठीक है? इट्स सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, वेरी सिंपल, ठीक है? और सिस्टोलिक बस उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग, वही फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो सिस्टोलिक को इंडिविजुअली इफेक्ट करेगा और डायस्टोलिक को इंडिविजुअली इफेक्ट करेगा। सिस्टोलिक को हमने अभी बात की है कि कार्डिक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम एक ही बात है, वो इफेक्ट करेगा, और ये मैंने एक ही बात है किसी वजह से कहा, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम एक ही बात है, ये अब आपको समझ में आ जानी चाहिए जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ, ठीक है? कार्डियक आउटपुट टाइम के लिहाज से होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बीट के लिहाज से होता है, बात सेम है, सिर्फ यूनिट्स फर्क है, ठीक है? और आर्टीरियल कंप्लायंस अफेक्ट होता है, अफेक्ट करता है डायस्टोलिक प्रेशर को, ठीक है? इसको आप रहने दें, हम नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा जनाब, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो बेटा जी ये मीन नहीं है, इसका सिर्फ नाम मीन है, ये हाथी के दांत है, ये खाने के नहीं है, ठीक है? ये बात मैं इधर एक काटा भी लगा दूं ताकि आपको समझ आ जाए, ये मीन नहीं है, इसको सिर्फ मीन आर्टीरियल प्रेशर बस कहते हैं। चार जो मैं बाकियों को ऐड कर रहा हूँ निकले हैं,
ये मीन यानी अरिथमेटिक मीन नहीं है ये, ठीक है। बुनियादी तौर पर ये एक एवरेज है किन आर्टेरियल प्रेशर्स की, उन आर्टेरियल प्रेशर्स की जो आपने मिली सेकेंड बाय मिली सेकेंड रिकॉर्ड किए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो आपने क्या किया, आप एक आर्टरी को पकड़ के बैठ गए, उस पर आप फोकस करके बैठ गए, ठीक है। आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच है जो आपको बता रही है कि टाइम कितना गुजर रहा है, और दूसरे हाथ में आपके पास ब्लड प्रेशर मेजरिंग कोई डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को बकायदा डायरेक्टली आपने अंदर इंसर्ट किया हुआ है उस आर्टरी के अंदर, और उसके एज पे वो है क्या कहते हैं प्रेशर सेंसिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब एक आपने स्टॉप वॉच आपने ऑन कर दिया, अब आपको मिली सेकेंड गुजर रहे हैं, आपको पता लग रहा है भाई ये टाइम गुजर रहा है, और साथ ही वो जो डिवाइस है ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस वो आपको बता रही है कि प्रेशर्स इस वक्त ब्लड प्रेशर क्या है इस आर्टरी में, ठीक है, इस वक्त कितना है, नेक्स्ट मिली सेकेंड कितना है, तीसरे मिली सेकेंड कितना है, चौथे मिली सेकेंड कितना है, यानी वो आपने एक टाइम के लिहाज से मेजरमेंट लेनी है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। अब आपके जहन में शायद ये कॉन्सेप्ट हो कि भाई ब्लड प्रेशर तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए चाहे किसी भी मिली सेकेंड को ले लें, तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत वेरी करता है, बीट टू बीट भी वेरी करता है, कुछ पॉस्चर से अफेक्ट करता है वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होता। अच्छा, ये कोई अंदलीब को बता दो कि बेटे उसके मसला उसके एंड पे ही है, तो ये फिर रिकॉर्डेड वो सुन ले, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि एवरेज जो इस सारे एक्सपेरिमेंट की जो एवरेज निकलेगी उसको हम कहेंगे मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। और उस मीन आर्टेरियल प्रेशर को मेजर करने का एक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, वो क्या है, वो है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है, अभी हमने किया, पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है वो इधर आप डाल देंगे, उसको एक 1/3 उसका ले लेंगे और उसमें जमा करेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अगेन दिस इज फॉर यू टू जस्ट रिमेम्बर, ठीक है ना, इसकी कोई खास एप्लीकेशन आपके इम्तिहान में नहीं आएगी, बस ये पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है और मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि आपको ये मेरी आवाज भी है क्लियर और आपको समझ भी आ रही है, ओके। अब छोटे से एक कुछ सिनेरियोज हैं, वो मैं जल्दी से देख लेते हैं उसको। अगेन ये मेरा नहीं ख्याल कि सच आप लोगों को आएंगे एग्जाम में, लेकिन चलो एक एप्लीकेशन है एक कॉन्सेप्ट की जो आपने अभी पढ़ा है उसको देख लेते हैं। एथरोस्क्लेरोसिस आप जानते हैं कि क्या होता है, मुझे पता है कि यू नो दिस राइट, इट्स द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज बाय डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड द आर्टेरियल वॉल, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता हार्डन होना शुरू हो जाती हैं। ये हर शख्स में होता है, हर इंसान में ये प्रोसेस होता है, ये शुरू होता है आपकी बचपन से शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत स्लो होता है प्रोसेस, टीनेज में भी काफ़ी स्लो होता है, लेकिन जैसे ही आप 20s को हिट करते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करता है, और 30s में ये तेज़ हो जाता है, 40s में ये और भी तेज़ हो जाता है। मर्दों में ये ज़्यादा तेज़ होता है, खवातीन में ये कम तेज़ होता है, इसका इफेक्ट डाइट से होता है, स्मोकिंग से होता है वगैरह होता है। जितनी ज़्यादा आप फैटी डाइट खाएंगे उतनी ज़्यादा ये प्रोसेस तेज़ होगा, स्मोकिंग से भी ये प्रोसेस तेज होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज है। नाउ अब इसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर से क्या है, अब हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज मेरा ख्याल है अभी तक काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है, वो यूट्यूब पे भी हुई थी कि ये सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है, और ये डायस्टोलिक प्रेशर को कम कर देता है, जिसकी वजह से पल्स प्रेशर काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, क्योंकि पल्स प्रेशर इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है, सिस्टोलिक बढ़ रहा है, डायस्टोलिक कम हो रहा है, तो जाहिर है पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप किसी बड़ी उम्र के आदमी का पल्स प्रेशर ले रहे होंगे तो उनका ब्लड प्रेशर एक यंग आदमी की बनिस्बत ज्यादा आएगा, ओके। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है बच्चों। गुड,
इन आर्टेरियल प्रेशर हाउएवर एथेरोस्क्लेरोसिस में ज्यादा चेंज नहीं होता क्योंकि सिस्टोलिक, वही बात है कि अगर आपने उसका फॉर्मूला याद रखा हुआ है जो कि ये था, ये इसका फॉर्मूला था कि डायस्टोलिक प्रेशर और 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला ही आपको बता रहा है कि ज्यादा जो हार्ट है वो डायस्टली में या डायस्टोलिक में जो प्रेशर है वो उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, तो वो कम हो रहा है और सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो एक दूसरे को ना कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मीन आर्टेरियल प्रेशर एथेरोस्क्लेरोसिस में ज्यादा चेंज नहीं होता। अगेन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये आपसे पूछा जाएगा, लेकिन बहरहाल एक्स्ट्रा पढ़ने का फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। दूसरा एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपका हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ये क्यों बढ़े हुए होते हैं, ये आपको आना चाहिए। एक्सरसाइज में ये दो चीजें क्यों बढ़ी हुई होती हैं, चलें बताएं इसकी क्या वजह होगी। ये दसों नो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, क्यों? वजह मसल्स नीड मोर सप्लाई। तो ये बेटे हार्ट को कौन बताएगा, बीपी इंक्रीज? नो, ये जो बीपी इंक्रीज करने वाली खातून है मरियम, बेटे ये इधर देखो जरा, ये देखो, ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है। बीपी इंक्रीज नहीं होता मॉडरेट टू माइल्ड एक्सरसाइज में, ये आज आपने एक नई बात पढ़ी। ये कौन बताएगा? ना मसल एक्टिविटी, बेटे सारे क्यों कह रहे हैं मसल एक्टिविटी, ऑक्सीजन नीड, यस हाँ बिल्कुल सही, ये बातें सारी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये बात हार्ट को कैसे, मसल खुद आता है हार्ट के पास, उसको कहता है चल भाई उठ जल्दी कर, नहीं कोई और शय होती है ना बीच में, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यही तो हम कह रहे हैं, हम वजह पूछ रहे हैं उसकी, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह क्या है, कौन इसको एक्टिवेट करता है? चलो अब तो बता दो, एक्टिवेशन का वर्ड भी आ गया, एजेंट कौन है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है, मलाइकों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करता है हार्ट को, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो कहते हैं उसके नतीजतन कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, क्योंकि कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा होता है और हार्ट रेट पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, मैं लिख भी देता हूँ, SNS, SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट काफी बढ़ जाता है, मतलब कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है उसकी वजह से, ठीक है। ये बात तो तय हो गई, तो अब आप कहेंगे कि जी अगर कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो फिर तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, बात सही है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आर्टेरियल, ये किसको याद है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश, ये किसको याद है, किन दो चीजों पे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, किन दो चीजों का वो है मजमुआ है, जाना चाहिए। शाबाश आइफन, वेल डन, वेरी गुड सर, एक्सलेंट, कार्डियक आउटपुट, वेरी गुड, मजा आ गया, वेरी गुड एंड शाबाश, वेरी गुड, शुक्र है बच्चों ने पढ़ा हुआ, टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे, टीपी आर, ठीक है। ये बच्चों की तरह से लिख रहा हूँ, ये माउस से लिख रहा हूँ, मेरे पास पेन नहीं है, बड़ी मुश्किल से लिखा जाता है। तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इस पे कार्डिक आउटपुट पे और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, अगर आप कार्डिक आउटपुट बढ़ाएंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे तो भी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएंगे और टीपीआर को भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये मजा आ जाए, जवाब आ जाइए, अगर मैंने इसको भी बढ़ा दिया है
और इसको भी बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इसको क्या होगा कार्डिक आउटपुट अपना, सॉरी आर्टरियल ब्लड प्रेशर, बढ़ेगा। जाहिर है दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा। अब यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा शुक्र। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं इसको अलग अलग नहीं ना बता सकते, चलो कह रहे कोई नहीं, अब सुनो मेरी बात। अब मैं इनको इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करता हूं, इसको भी डिक्रीज कर देता हूं, सॉरी इस मैंने सॉरी बेटे मैंने इसको नहीं डिक्रीज करना था, ये गलती हो गई और ये अनडू नहीं हो रहा मेरे से। इसको मैं इंक्रीज करता हूं और इसको मैं डिक्रीज कर देता हूं, ठीक है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज किया, टीपीआर डिक्रीज किया, अब क्या होगा ये सोच के बताना और करके। शाबाश, रिमेन्स द सेम। शाबाश ना बेटा ना, हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो गया मारिया, सेम होगा बेटे, एक चीज बढ़ रही है, ये तो मैथमेटिक्स की बात है ना, आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं, है जी, इसको बेटे आपने बढ़ा दिया और इसको आपने कम कर दिया, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रहेगा और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर सेम होगा, ठीक है, वेरी गुड। नाउ इधर क्या हो रहा है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में अभी हमने कहा कि जी कार्डिक आउटपुट तो बढ़ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर ये क्लियर हो गया, ठीक है, हमने कहा कार्डिक आउटपुट तो बढ़ गया, ये हमें समझ आ गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, एसवीआर इज टीपीआर, एक ही बात है, ये इस जिस किताब से मैंने लिया है वो एसवीआर को टीपीआर कहता है, ठीक है, सॉरी टीपीआर को एसवीआर कहता है, दिस इज द सेम थिंग एज टीपीआर, आप इसको टीपीआर ही समझें, टीपीआर। ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये कौन बताया, तो भी मजा आ जाएगा अगर बता दें, ये वैसे मुश्किल है, ये नहीं होती, यही पता लगेगा। मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ। हाँ जी दसो, टीपीआर एक्सरसाइज में क्यों डिक्रीज हो जाता, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, बचाओ। ये वैसे मैंने जहां तक मुझे याद है मैंने ये बताई थी, ये बात एक फ्लो में ना एक लेक्चर के दौरान मैंने शायद मेंशन की थी ना बेटा ना, शहर मुबीन को देखो, मुबीन सही कहती है, आर्टरीज डायलेट करती हैं लेकिन वजह क्यों करती हैं, वजह ये है, क्या है, आर्टरीज करती हैं, आर्टेरियोल्स करते हैं, टीपीआर किसकी वजह से होता है, आर्टेरियोल्स की वजह से, आर्टरीज की वजह से, आर्टेरियोल्स की वजह से, ठीक है, आर्टेरियोल की वजह से। अब अगर आर्टेरियोल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो टीपीआर ऊपर जाएगा, अगर आर्टेरियोल डायलेट करेगा तो टीपीआर नीचे है, यस। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सरसाइज में समहाउ टीपीआर नीचे जा रहा है, वजह यह है बच्चों कि स्केलेटल मसल इस वक्त एक्सरसाइज में आपने डाल दिया है, पहले वो ठीक था बेचारा, अब उसको एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, उसका ब्लड फ्लो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। मैंने आपसे अर्ज की थी पहले जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, वो पहले पांच जो रहनुमा असूल थे सर्कुलेशन के, तो वहां मैंने एक जिक्र किया था आपसे कि जिस टिश्यू को ज्यादा जरूरत होती है ब्लड की वो क्या करता है, अब तो बता दो, वो पैरेलल अरेंजमेंट याद है ना, पैरेलल एंड सीरीज वाली जो बात हम कर रहे थे फिजिक्स वाली, उसमें पैरेलल अरेंजमेंट का एक फायदा ये होता है कि अगर किसी एक टिश्यू को चाहिए हो ज्यादा ब्लड सप्लाई तो वो
क्या करेगा, क्या कर सकता है, उसके पास एक ऑप्शन है। हेलो, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, तो अच्छा जवाब नहीं आ रहा। आवाज आ रही है, जवाब नहीं आ रहा। चेंज कर रहे, कोमल, वेरी गुड। वो अपने बिल्कुल फीडिंग वेसल का डायमीटर चेंज करके वो अपनी ब्लड सप्लाई बढ़ाने की ऑप्शन उसके पास होती है। तो स्केलेटन मसल जो है, स्केलेटन मसल जब इंक्रीज उसकी ब्लड फ्लो होगी तो क्या कर सकता है वो अपने आर्टेरियोल्स को डायलेट करेगा कि भाई मुझे तो ब्लड सप्लाई ज्यादा दो ना, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब स्केलेटल मसल की हम आर्टेरियोल्स गिनना शुरू करते हैं तो स्केलेटल मसल, आपको पता है कि बॉडी में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन्स इज स्केलेटल मसल। आप इतना इतने ज्यादा पट्टे हैं आपके, वो सारे स्केलेटल मसल हैं। अब वो सारे के सारे के एक्सरसाइज में चले जाएंगे तो वो आप गिन लो कि कितना आर्टेरियोल्स उनके होंगे। यस, जब वो सारे डायलेट होंगे तो ये जो बेचारा टीपीआर है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये ज्यादातर मुश्तमिल है स्केलेटल मसल की पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर वो सारे डायलेट कर जाएंगे तो ये टीपीआर बेचारा नीचे आ जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्योंकि इसने सप्लाई ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करना है स्केलेटल मसल को। ठीक है, उसका पूरा नतीजा क्या निकलेगा कि टीपीआर नीचे आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट ऊपर चला जाएगा, नतीजा ब्लड प्रेशर रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आई? तो मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी जो बच्चे सो गए हैं उनको भी जगाया जाए। ओके, नए नए नाम अब आने चाहिए इसमें, ये पुराने पुराने नाम है वो सेम बच्चे दोबारा दोबारा मैसेज कर रहे हैं, बेटे हम इंतखाबात नहीं कर रहे, ये कोई और बाकी बच्चे ही बताएं, मेरे पास 56 बच्चे हैं इसमें। चलो चलो ठीक है, ऑलराइट, ओके डन। ये कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? ये आर्टीरियल, जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है, अच्छा ये जो है ना, बाय द वे ये देखो, ये लिखा हुआ भी है, मीन आर्टीरियल प्रेशर कांस्टेंट रहता है, हाउएवर पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। इसके नीचे जवाब भी दिया हुआ है, कोई मुझे जवाब एक्सप्लेन कर। पल्स प्रेशर क्यों इंक्रीज करता है? कर गया, ओके गुड, सही है। सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट जो है वो ज्यादा बीट कर रहा है। ठीक है, डायस्टोलिक कौन एक्सप्लेन करेगा? वो बकायदा कह रहा है कि जनाबे अली डायस्टोलिक डिक्रीज करता है, इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। चलो, एक तो ये कि ब्लड ना ज्यादा देर ठहर नहीं पाता आर्टरीज में, वो जल्दी से रन ऑफ कर जाता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि टीपीआर डिक्रीज हुई भी होती है, इसकी वजह से भी ज्यादा रुक नहीं पाता, ज्यादा प्रेशर डेवलप डायस्टोलिक के दौरान नहीं हो पाता। अच्छा बच्चों, अब 10 मिनट्स रह गए हैं हमारे 40 मिनट जो लिमिट है ना उस पे, तो मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट करूंगा जब ये ऑफ हो जाएगा, तो तुम लोगों को फिर ज्वाइन कर लेना बाद में। ऑलराइट, ठीक है, अब ये बात हो गई, आगे चलते हैं, डन हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट जो मैंने आपको वो जो दो नहीं मैंने वीडियोस भेजी थी, आज हम उसका रीकैप, एक्सक्यूज मी, आज हम उसका रीकैप करेंगे। ठीक है, ये उसकी हेडिंग थी द माइक्रो सर्कुलेशन एंड लिम्फैटिक सिस्टम। इसमें वो मैं लिखना, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ, सॉरी,
वेन्स, इसमें तीन चीजें हैं बेटे। हाँ आंसर आई नो, 12:30 तक है। ये जो टाइम लिमिट जूम की है बेटे, ये फ्री वर्जन की टाइम लिमिट 40 मिनट होती है। उसने 10 मिनट बाद ना इसको डिसकनेक्ट करना है, और उसके बाद मैं दोबारा रिकनेक्ट करूंगा तो आप लोगों को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है? ऑलराइट, ओके। तो इसमें हम ये बात करेंगे, अल्लाह को मदद करे, ये वेन्स और सीवी की बात करेंगे, सीवीपी की, कुछ माइक्रो सर्कुलेशन की बात करेंगे, लिम्फैटिक सिस्टम आप लोगों ने खुद पढ़ लेना, ठीक है? वो सिंपल है, एडिमा शेडिमा को सवाल हो तो फिर मुझे भेज देना, ठीक है? अब वेन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? वेन्स आपको पता है क्या होती हैं, ठीक है? वेन्स क्या होती हैं? रिजर्वॉयर फंक्शन है वेन्स का, 60% ब्लड जो है वो वेन्स में रहता है। नॉर्मल एट रेस्ट जो इंडिविजुअल होता है उसमें 60% ब्लड जो है वो वेन्स में ही रहता है, ठीक है? वो सर्कुलेशन में उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, ठीक है? एक कुछ स्पेसिफिक रिजर्वॉयर्स होते हैं, स्प्लीन, लिवर, कुछ स्किन में, लंग और हार्ट खुद में जो ब्लड रह जाता है। तो वेन्स के अलावा कुछ और ये वाले ऑर्गन्स भी रिजर्वॉयर फंक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है? ये बात एक छोटी सी हो गई। अब ये वो बात है जो एक किसी बच्चे ने मुझसे पहले भी पूछी थी कि जी, मैंने सवाल भी किया था कि जी ये बताएं कि वेन को नीचे से ऊपर लाना में क्या क्या फिर जतन करने पड़ते हैं, वो इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आज हम वो डिस्कस करें। तो अब आप ये देखो कि ब्लड यहाँ पे मिसाल के तौर पर आया है, ठीक है? अब इसको आपने वापस ऊपर लेके जाना है हार्ट में। जो ब्लड इधर आया हुआ है वो तो चुप करके ग्रेविटी को फॉलो करेगा, वो हार्ट में एंटर हो जाएगा, उसको उसका इतना रौला नहीं है। अपर लिम्ब का भी बहुत ज्यादा रौला नहीं है, बिकॉज अपर लिम्ब का भी अगर हैंड भी है, अगर हैंड नीचे भी लटका हुआ है तो डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है, वो आराम से रिलेटिवली आसानी से आ जाता है। मसला लोअर लिम्ब का होता है, लोअर लिम्ब में भी फुट का होता है। यहाँ से अगर आप ब्लड किसी तरह ऊपर चढ़ा दें तो बल्ले बल्ले हो जाए। अब वो कैसे होती है? अब उसमें तीन चीजें, एक चीज ये है, एक चीज ये वेल्व्स। वेल्व्स क्या होते हैं? वेल्व्स बेटा जी ये होते हैं, मैं उससे पहले शायद जिक्र किया था वेल्व्स का, कि ये देखो ये वेल्व लगा हुआ, ये वेल्व लगा हुआ है, ये वेल्व लगा हुआ है, ये वेल्व लगा हुआ है। तो जो ये लोअर लिम्स हैं, ये वाली खास तौर पर लोअर लिम्स जो है उनमें वेन्स में इस फॉर्मेट के वेल्व्स लगे होते हैं, ठीक है? जिसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होता है, हार्ट की तरफ होता है। अब अगर उनमें ब्लड फ्लो देखो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, इस तरह से करेगा, ठीक है? अब वो जब इनको खोलेगा तो ब्लड फिर इधर आ जाएगा और ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगा। अगर इसने शरारत की और इसने वापस आने की कोशिश की, अगर इसने वापस आने की कोशिश की तो ये जो वेल्व है, ये जो वेल्व है, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, जैसे ये बैक फ्लो होगा ये वेल्व को बंद कर देगा, बैक फ्लो इस वेल्व को बंद कर देगा। हाँ जी, तो बैक फ्लो को ये नहीं होने देती, ये क्या करेगा बुनियादी तौर पर ये करता है कि ये इस कंपार्टमेंट के ब्लड को जब वो इस कंपार्टमेंट में, यानी वेल्व के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आ जाता है तो वो उसमें फंसा देता है इसको, वो उसको वापस नहीं जाने देता, ठीक है? इस तरह से सेगमेंट बाय सेगमेंट जनाबे अली आपका ब्लड ऊपर चढ़ता है, उसे मारेगा, ये बेटे मारेगा तो नहीं, मारूंगा मैं जब तुम लोगों के नंबर कमाएंगे, ठीक है ना? तो ये सेगमेंट बाय सेगमेंट आप ऊपर फंसता चला जाता है और इस तरह से इसको लोअर लिम से ऊपर चढ़ाया जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अपर लिम में बेटे ज्यादा इतनी इश्यू नहीं होता कि अपर लिम में डिस्टेंस कम होता है। ये देखो ना यहाँ से, और अपर लिम मूव भी बैरल करेगी। और दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ ना क्या होता है, सिर्फ वेल्व नहीं होते जो यहाँ पे समाव मैंने मिस हो गया मुझसे। दूसरा है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा नहीं, पहले ये देखो ना, ये कर लो पहले, ये क्या होती हैं? वेरिकोस वेन्स होती हैं। जब ये जो वेल्व होते हैं ना, कुछ लोगों में जो वजन ज्यादा उठाते हैं या जब कोई और इशू हो उनमें, ये वेल्व खराब हो जाते हैं। वेल्व जब ये खराब हो जाते हैं तो उनको देखा जाता है कि उनके, अगर आप लोअर लिम को एग्जामिन करो
तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी आपको वेन्स नजर आएंगी बिल्कुल डिस्टेंडेड, जो नॉर्मली वेन नजर नहीं आती लोअर लिम में, उनमें बहुत क्लियरली ऊपर ही पड़ी हुई होती है वेन अजीब तरीके से। इस बीमारी को वेरिकोज वेन्स कहते हैं, वेरिकोज वेन्स कहते हैं। और ये कब होती है? जब वेन्स के वैल्व जो है खराब हो जाते हैं और उनमें ब्लड जो है वो कूल करना शुरू हो जाता है और वीनस रिटर्न में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखो कि वेन जो है वो किन किन एरिया से गुजर रही है और उनके साथ साथ क्या क्या है। अब ये क्या है? ये मसल है, ये भी मसल है, ये हर जगह मसल्स है ना। मसल्स के दरमियान में वेन को परोया गया है, वेन जो है वो मसल्स के दरमियान में से होती भी जा रही है। Varicose veins repeat. Varicose veins बेटे होती हैं जब valves जो हैं वो खराब हो जाते हैं, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं और ब्लड जो है वो ऊपर प्रॉपरली नहीं जा पाता, उधर ही इकट्ठा होता रहता है उसी वेन के अंदर, ठीक है। इस चीज को कहते हैं varicose veins। और इसका देखने का तरीका ये है कि जब आप लिफ्ट करते हैं गारमेंट उसकी पेशेंट की उसके लोअर लिम से, तो सामने नजर आता है आपको ढेर सारी वेन्स, आपको बड़ी ऊपर नुमाया गुच्छेदार वेन्स आपको नजर आती हैं। आप गूगल कर लें बाद में इस लेक्चर के बाद, varicose veins गूगल कर लें आप, एकदम तस्वीर देखने आपको तो भी नहीं भूलेगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं मसल्स की बात कर रहा था। तो मसल्स जो हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन वेन्स को प्रेस करते हैं, जब इन वेन्स को प्रेस करते हैं तो इसमें भी वीनस रिटर्न में हेल्प मिलती है। जाहिर है वेन जब दबेगी तो ब्लड पुश होगा, और ब्लड जब पुश होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगर वैल्व इंटैक्ट है तो जब ऊपर की तरफ पुश होगा तो वो वैल्व उसको बाकी चीजों को मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लोअर लिम आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। उसके बाद आप जरा एब्डोमेन पे आ जाएं। अब एब्डोमेन में क्या चीज होती है? सॉरी, ये कलर जो है ना ये इसको रेड होना चाहिए। एब्डोमेन में क्या शय होती है? एब्डोमेन में होता है एब्डोमिनल पंप। एब्डोमिनल पंप क्या होता है? एब्डोमिनल पंप होता है, एब्डोमिन बेटे क्या क्या होता है? इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्टमक होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं ना, ओमेंटम होती है, फैट होती है, ये सारी चीजें मिल मिला के अच्छा खासा वजन होता है एब्डोमिन। तो ये एब्डोमिन, और आपको पता है कि जो ग्रेट वेसल्स होते हैं जो इन्फीरियर वीना केवा होती है वो पोस्टीरियरली रन कर रही होती है, यस, वो विसरा के पीछे होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ साथ ऊपर जा रही होती है। ये पता है या नहीं पता? एनाटॉमी थोड़ी सी की है? ठीक है ना, ये है जनाबे अली आपकी इन्फीरियर वेना केवा, ये आगे नहीं पड़ी होती, ये आपकी पुश्त पे पड़ी होती है, बैक, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पड़ी होती है, उसके आगे सारे विसरा इकट्ठे हुए होते हैं, वो विसरा जो है ना वो इसको पुश करते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं, उससे भी यही इफेक्ट होता है जो मसल्स करते हैं ना वेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वही इन्फीरियर वेना केवा पे असर करता है, ये जो विसरा पड़े हुए होते हैं ये उसको कंप्रेस करते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं, इसकी वजह से वो ब्लड ऊपर ही की तरफ पुश होता रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाबे अली आप ये देखें कि उसने थॉरेक्स के पंप का भी जिक्र किया। थॉरेक्स के पंप में थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो लंग्स हैं, ये थॉरेक्स का पंप, ये अब थॉरेक्स का पंप क्या है? भाई जब आप इंस्पिरेशन करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो थॉरेक्स की कैविटी का जो अपना इंटरनल प्रेशर है, या आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, वो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? इसको आता जवाब, जब सांस आप खींचते हैं अंदर, तो बात हो रही थॉरेक्स की, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जब आप इंस्पायर करते हैं, हाँ वो बात बच्चे ने बात की थी, जब आप बेटे याद रखना रेस्पिरेशन का डिटेल में पढ़ोगे, जब आप इंस्पायर करते हो तो थॉरेक्स में ना वैक्यूम बनता है, जिसकी वजह से एयर माउथ से अंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो याद रखना कि इंस्पिरेशन के दौरान थॉरेक्स का प्रेशर कम होता है, डिक्रीज होता है, और एक्सप्रेशन के दौरान जब आप इसको एयर को निकालना चाह रहे होते हैं तो थॉरेक्स के अंदर जो प्रेशर है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो
अब आप अंदाजा करें कि आप जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो थॉरेक्स एक तरह का पंप बन जाता है, यानी इंस्पिरेशन के दौरान उसका प्रेशर, इंस्पिरेशन के दौरान उसका प्रेशर अंदर सक्शन प्रेशर है तो वो नेगेटिव हो जाता है, वो कम हो जाता है, और एक्सपिरेशन के दौरान उसका प्रेशर अप हो जाता है। इसकी वजह से मैंने ये बता दिया है, इसकी वजह से इसको लव्स को पंप यूज करते हैं। तो आप सोचो कि जब जो वेन अंदर से इंफीरियर वेना केवा गुजर रही है, आखिरी स्टेशन आ गया है थॉरेक्स का, तो अब थॉरेक्स में जब अराइव करती है तो उसमें उसको कुछ इस तरह का माहौल मिलता है कि कभी प्रेशर घटता है कभी बढ़ता है, तो एक पंप भी बन गया ना एक तरह का, जैसे वो हैंडल का पंप नहीं होता जिसे पानी आप ऊपर खींचते हैं, पहले आप सक्शन प्रोड्यूस करते हैं फिर आपको दबाते हैं तो वो पानी ऊपर आ जाता है ट्यूबवेल से, बिल्कुल उसी तरह का एक माहौल बना होता है थॉरेक्स में। तो पानी को, ब्लड जो अब यहाँ तक पहुंच गया है उसको इवेंचुअली आखिरी दीवार को धक्का वो जो है मुहावरा गिरती हुई दीवार को है, तो वो आखिरी जो पुश है वो थॉरेक्स का पंप देता है और वो राइट एट्रियम में ब्लड दाखिल हो जाता है। ठीक है, ये जनाब स्टोरी है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की। इसको वीनस पंप्स कहते हैं, इस और इसको वीनस रिटर्न भी यानी आप उसको नाम दे सकते हैं कि ये वीनस रिटर्न। ठीक है, वीनस रिटर्न हम ये जिक्र करेंगे इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे उसकी कार्डिक आउटपुट को जब डिफाइन करेंगे फॉर्मली, तो हम वीनस रिटर्न का वहां पे भी जिक्र करेंगे। लेकिन बहर इस वक्त ये काफी है कि वीनस रिटर्न के जो भी फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं वीनस रिटर्न को या ब्लड को इन जगहों से हार्ट तक आने के लिए, वो बेसिकली ये तीन है, वीनस वेल्व्स, एब्डोमिनल पंप और थॉरेक्स का पंप। ठीक है, कुछ किताबों में इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के थोरैको एब्डोमिनल पंप भी लिखा जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मिला के भी लिखा जा सकता है थोरैको एब्डोमिनल पंप। ठीक है, यहां तक बात हो गई, नेक्स्ट चलते हैं। सीवीपी बुनियादी तौर पर वेरी सिंपल, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सीवीपी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल वीनस प्रेशर। ये सेंट्रल वीनस प्रेशर दरअसल राइट एट्रियल प्रेशर को कहते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू 100 के अराउंड होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू कम ही रहनी चाहिए, बिकॉज ये वो वेलकमिंग प्रेशर है जो राइट एट्रियम के अंदर है। इसको मैंने काफी डिटेल से लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो सारे अवामिल जो वीनस रिटर्न को इफेक्ट करते हैं और हार्ट की पंपिंग को इफेक्ट करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि सीवीपी कम ही रहे, यानी वो प्रेशर जो एक ऐसे चेंबर के अंदर है जिसने मेहमानों को वेलकम करना है, ब्लड को नीचे से आने में जब इतनी मुश्किल से ऊपर आ जाता है तो वेलकम करना है, उस प्रेशर को बढ़ा के आपने क्या करना है, उस प्रेशर को आपने जाहिर कम ही रखना है। ठीक है, यहां तक ठीक है। कोमल बेटे, जब मैंने कोरिलेट किया था तो मैंने एक्सप्लेन भी किया हूँ, अब मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था उसमें, तो मैं क्योंकि फ्रेश ही बोलता हूँ तो मुझे बाद में याद नहीं रहता कि क्या क्या बातें हुई थी, मैंने एग्जांपल्स करके दी थी। लेकिन ट्राइकस्पिड वैल्व की बात यही है, अब आप खुद इमेजिन करो, देखो ना इसमें मुझे शेड भी है, अब बनाना पड़ेगा। अब ये अगर क्या है भला राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो आप ये देखें क्या करें, दूसरे बनाए, ये जनाब अली आपका ट्राइकस्पिड वैल्व है, मतलब ये वो जगह है जहाँ से एट्रिया से ब्लड इधर आएगा, ऐसा ही है। अब अगर इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, ये अगर जरा मोटा मोटा हो जाता है, इसमें जरा प्रॉब्लम हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, है जी, तो क्या होगा, ब्लड की जो तरसील है फ्रॉम एट्रिया टू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Yes, शाबाश, जब कम हो जाएगी तो ब्लड यहां पे
यहाँ पे ट्रैप होना शुरू हो जाएगा। यस, जब यहां पे ट्रैप होना शुरू हो जाएगा तो इस प्रेशर को क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। यस यस, जब ये बढ़ जाएगा तो आपने वेलकमिंग तो फिर ना की, आप तो, अब मैंने तो आपसे कहा था कि जीरो के आसपास ही रखना, लेकिन अगर ट्राइकस्पिड वैल्व को अगर आपने छेड़ दिया, उसको थिकन कर दिया या कुछ भी मुसीबत कर दिया आपने राइट वेंट्रिकल के साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, चाहे इस वैल्व का मसला हो या वेंट्रिकल का मसला हो या इवन पल्मोनरी आर्टरी का मसला हो या इवन लंग्स का मसला हो, जो भी चीज राइट वेंट्रिकल के वॉल्यूम के साथ छेड़खानी करेगी वो राइट एट्रियम के वेंट्रिकल के वॉल्यूम के साथ भी छेड़खानी करेगी। इसके साथ अगर आपने छेड़खानी कर दी तो फिर बड़ा लंबा खाता खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको जीरो के आसपास रखना था, क्योंकि हमने इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा का जो ब्लड है, कीमती ब्लड, वो हमने यहाँ पे रिसीव करना था। ठीक है ना? अच्छा, बस चार मिनट रह गए, ठीक है अंदरीप, मैं इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। तो सीवीपी को हमने मिनिमम पे रखना है, ठीक है, बाकी बेटे देख लेना, हम जिसको सवाल कर लेना, हम देख लेते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन ये खुद ही पढ़ लेना, ये ज्यादातर एनाटॉमी है, ये भी खुद ही पढ़ लेना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दिस अगेन इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्टॉलिंग फोर्सेस को मैंने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है बेटे, अगर इसका कोई सवाल है तो मुझसे कर लेना। मैं सिर्फ ये समझा दूं कि ये जो स्लाइड मैं इसका आपको शो कर रहा हूं, ये सिंगल कैपिलरी की है, ये एक कैपिलरी की है, सिर्फ समझाने के लिए है। इम्तिहान में आपको बेसिकली ये स्लाइड आई या ये आ सकती है, ठीक है। तो इसके जो प्रेशर्स है ना वो याद होने चाहिए, ये वाले प्रेशर्स याद होने चाहिए, ये वाली इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। बुनियादी तौर पर मुझे इसको इस तरह से मॉडल करना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ जी बेटे, मैं कर दूंगा, आप इसकी फिक्र ना किया करो, मैं इसको कर देता हूँ, डोंट वरी। तो ये स्टारिंग फोर्सेस एक अच्छा क्वेश्चन है, ये यूजली आ जाता है इम्तिहान में। तो इसका यही है कि जी फ्लूइड जो मूव आउट कर रहा है उसकी मीन जो प्रेशर है वो 28.3 है, जो इनवर्ड है मीन वो 28 है, तो 28.3 में से 28 माइनस करते हैं तो 0.3 आ जाता है। ये सारी डिस्कशन मैंने अच्छी तरह लगाई हैं, इसकी डिटेल से कराया, ठीक है, ये देख लेना। तो मुझसे सवाल ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, एडिमा वगैरह भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज, आपने सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है बेटे और उसके नीचे सब हेडिंग्स पढ़नी है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एडिमा, अगर कोई भी चीज, अगर आप स्टारलिंग फोर्स की कोई भी चीज छेड़ते हो ना तो उससे एडिमा कॉज हो सकता है, ठीक है, बस इतनी सी बात। लिम्फैटिक्स इज ज्यादातर एनाटॉमी है और वो मेरा इशू नहीं है, वो ये मेरे लिए तो सिर्फ लिम्फैटिक्स की ये स्लाइड काफी है। सो समरी ये है बेटे, ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर से उनको कवर कर लेना, मैं ये वाला जो लेक्चर रिकॉर्ड करके अब मैं डालने लगा हूँ ये कवर कर लेना, और माइंड यू ये दोनों जो है आज के लेक्चर्स ये मैं मिला के एक ही वीडियो बनाऊंगा और एक वीडियो आज अपलोड हो जाए, ठीक है। चलो अटेंडेंस फटाफट लगा लो और फिर अल्लाह हाफिज, एक मिनट रह गया, एक मिनट काफी है, अटेंडेंस जल्दी जल्दी अपने रोल नंबर यहाँ बता दो, वो फिर सीआर नोट कर लो। ठीक है, तहरी मैं बस बंद कर दूं।